आज के इस वीडियो में मैं आपको मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना 2023-24 के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों ने, जैसे ही मैंने आवेदन के लिए वीडियो अपलोड किया था, तो कुछ लोगों ने बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, तो उनमें से मैं सारे क्वेश्चनों के जो जवाब है वह यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, यहाँ पर लगभग 5 क्वेश्चन पिक किए हैं, तो चलिए उनके जवाब मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सारे ही डाउट क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले यहां पर आपके मन में एक डाउट है कि सरकार की तरफ से क्या क्या आर्थिक सहायता मिलेगी, यानी कि हर महीने यहां पर कितने पैसे इस योजना के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं। दूसरे नंबर पर यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या कागजात की यहां पर आपको आवेदन करते समय यहां पर जरूरत होगी, इसके लिए उम्र क्या होगी, आवेदन कितने तारीख से शुरू होंगे और इसकी जो पहली किस्त है उसके पैसे कब ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि आवेदन करने के कितने दिन बाद यहां पर पैसे आप सभी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये सारे ही डाउट आज मैं आपके क्लियर कर दूंगा। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें। एमपी युवा कौशल कमाई योजना के लाभ एवं विशेषताएं यहां पर मैं बताने वाला हूं। इस योजना के द्वारा सरकार ट्रेनिंग कर रहे लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता देगी। हर महीने जो आर्थिक सहायता मिलेगी वह तकरीबन 8,000 की होगी। इस प्रकार साल के 12 महीने को मिलाकर यहां पर जो व्यक्ति को सरकार के द्वारा दिए जाएंगे पैसे, यहां पर टोटल 96,000 हो जाएंगे। पैसे देने के लिए सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल करेगी और लाभार्थी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर सीधे किए जाएंगे। चलिए अब इस योजना के बारे में यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। यहाँ पर योजना का नाम है एमपी युवा कौशल कमाई योजना। इसे कब शुरू किया गया था? मार्च 2023। राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, यानी कि केवल मध्य प्रदेश के ही युवा इस योजना के लिए आवेदन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाना और आर्थिक सहायता देना। लाभार्थी केवल मध्य प्रदेश के युवा होंगे। हेल्पलाइन के लिए यहां पर एक मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करके आप सारी जानकारी भी यहां पर आप ले सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूं। सबसे पहले आधार कार्ड, स्थायी प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, शैक्षिक योग्यता दस्तावेज, यानी कि कोई भी आपके पास 12वीं की मार्कशीट अंकसूची होना चाहिए। इसके बाद बैंक खाता आपका ऑन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होना चाहिए, एक आपका चालू वाला मोबाइल होना चाहिए, यानी कि मोबाइल नंबर का इस्तेमाल वहां पर हमें करना होगा। ये सारे ही यदि आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं तो आप आसानी के साथ ही आवेदन कर पाएंगे। वैसे तो पंजीयन आप इसी वक्त अभी भी कर सकते हैं। यदि आप पंजीयन करना चाहते हैं तो इसके बाद एक वीडियो अपलोड होगी चैनल पर, तो उसे आप देखकर पंजीयन घर से ही अपने ही मोबाइल से कर सकते हैं। यहां पर आपको एक पंजीयन करने का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां से आपको पंजीयन करना होगा। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि किस उम्र के युवा यहां पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 17 साल से लेकर 35 साल तक। आवेदन 1 जून 2023 से शुरू होंगे और यहां पर पैसे मिलना स्टार्ट होंगे 1 जुलाई 2023 से। इसकी जो 8,000 रुपये की पहली किस्त होगी वह यहां पर 1 जुलाई 2023 को यहां पर लगभग में यहां पर सभी युवाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।